चीन में कई बैंकों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। बैंक ऑफ चाइना ने कहा है कि यहां जमा पैसा एक निवेश है, इसे निकाला नहीं जा सकता। इस फैसले के खिलाफ चीन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने भारी संख्या में सेना के टैंकों को सड़कों पर उतार दिया है। इस घटना ने पूरी दुनिया को फिर से थियानमेन स्क्वायर की याद दिला दी है। 33 साल पहले 1989 में सरकार के खिलाफ बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ टैंक उतार दिए गए थे। इस क्रूर कार्यवाही में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज़्यादातर छात्र थे। अब इसे थियानमेन 2.0 कहा जा रहा है। चीन के हेनान प्रांत में पिछले कई हफ्तों से पुलिस और बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों के बीच झड़प जारी है। लोगों का कहना है कि अप्रैल 2022 से ही उन्हें अपनी सेविंग्स को निकालने से रोका जा रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच चीनी लिबरेशन आर्मी के टैंकों की फोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए सड़कों पर उतार दिया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ चाइना की हेनान ब्रांच ने घोषणा की थी कि उनकी ब्रांच में जमा पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है और उन्हें निकाला नहीं जा सकता। इस घोषणा के बाद लोगों का प्रदर्शन और भी ज़्यादा उग्र हो गया। 10 जुलाई को हेनान के झोंगझोंग में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच के सामने 1,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक चीनी अधिकारी उनकी मांगों को अनसुना करते आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेनान में बैंक ऑफ चाइना के ऑफिस के सामने हो रहे भारी विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए चीनी पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के कुछ लोग सफेद कपड़े में पहुंचे थे। तस्वीरों में चीन के हेनान प्रांत की सड़कों से गुजरते हुए चीनी टैंक्स को देखा जा सकता है। टैंकों को सड़कों पर इसलिए उतारा गया है ताकि लोग बैंकों तक न पहुँच सकें। हेनान प्रांत की राजधानी झोंगझोंग में प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद अथॉरिटी ने कहा है कि वो बैंकों से लोगों को फंड को किश्तों में रिलीज करने के लिए कहेंगे। हेनान में कई रूरल बैंकों ने लोगों के पैसे को कई महीनों से रोक रखा है। 15 जुलाई को बैंकों को वादे के मुताबिक लोगों को पहली किश्त देनी है, लेकिन केवल कुछ ही लोगों को पैसे मिल पाए हैं। इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या चीनी बैंकों के पास देने के लिए पैसा बचा भी है या नहीं, या चीनी बैंक दिवालिया हो चुके हैं। यही गिरती हुई अर्थव्यवस्था बैंकों की इस हालत की जिम्मेदार बताई जा रही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है थियानमेन स्क्वायर नरसंहार की कहानी। चीन ने आज से 33 साल पहले हजारों निहत्थे छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए उनके ऊपर टैंक चढ़वा दिए थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर पीएलई की इस कार्यवाही में 10,000 से ज्यादा छात्रों की मौत हुई थी। बताया जाता है कि ये छात्र बीजिंग के थियानमेन चौक पर जून 1989 में लोकतंत्र की बहाली के समर्थन में इकट्ठा हुए थे। आज से 3 साल पहले सार्वजनिक हुई ब्रिटिश खुफिया राजनयिक दस्तावेजों में इस घटना के पल पल का उल्लेख किया गया है। जून 1989 में बीजिंग के थियानमेन चौक पर लाखों की संख्या में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी इकट्ठे हुए थे। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और मजदूर भी शामिल थे। ये विरोध प्रदर्शन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव और सुधारवादी हु याओबांग की मौत के तुरंत बाद शुरू हुए थे। हु याओबांग को चीन की तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के विरोध के कारण पद से हटा दिया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। 6 हफ्ते तक चले इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए 3 और 4 जून 1989 को चीन की सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर बंदूकों और टैंक से हमला कर दिया था। इस कार्यवाही में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए थे। इस दौरान चीनी सेना के एक टैंक को रोकने की कोशिश करते हुए एक युवक की तस्वीर प्रकाशित होने के बाद ये स्थान पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। और खबरें फैली थीं कि कई निहत्थे विद्यार्थियों और मजदूरों को चीन की सरकार ने टैंकों तले कुचलवा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।